गाइस चलिए स्कूल चलते हैं। गुड मॉर्निंग, शबा खैर, कैसे हैं आप सर? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे स्कूल जा रही हूँ। हे गाइस, मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ। और स्कूल से आज एक्चुअली मैं जल्दी वापस आ गई थी, 1 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी आज। और मैंने स्कूल से आने के बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया, कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं आते ही मैंने खाना खाया और खाना खाते ही मैं सो गई। सो मैं अभी उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 5 और मम्मी बाहर किचन में चाय बना रही हैं। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर कुछ गपशप करते हैं आपसे। चाय बन के रेडी है और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। सो चाय पी के मैंने कपड़े चेंज करने हैं और कुछ अपना काम निपटाया थोड़ा बहुत। तो मैं आप लोगों से लाइक कुछ थोड़ी बहुत ही गपशप करना चाहती हूँ। मेरा आज का दिन जो था लाइक बहुत ही हेक्टिक था। हमारे स्कूल में जहाँ पे मतलब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, एक लर्निंग सेंटर और एक स्कूल है। तो अब जो लर्निंग सेंटर है वहाँ पे हमारी ड्यूटी लग गई। सो इट वाज लाइक कि देख थोड़ा सा फ्री होगा कुछ होगा, बट एक भी पीरियड फ्री नहीं मिला, लिटरली एक भी पीरियड फ्री नहीं। सुबह 8:30 से लेके 1 o'clock तक अप्रॉक्सीमेटली फुली पैक था, कोई फ्री पीरियड नहीं मिला। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत थकान हो गई, तो उसके बाद मैं घर आकर सो गई थी। सोने के बाद फिर मैं उठी, चाय पीने के बाद थोड़ा सा काम किया और अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं अभी ना एक लाइक वीडियो देख रही थी, मैं जैसे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो कुछ था। तो जब मैंने वीडियो स्क्रॉल की तो मुझे एक वीडियो ऐसा दिखाई दिया जिसमें एक इंसान लाइक कि ह्यूमन बीइंग जिन्हें हम कहते हैं, जो बोल सकते हैं, वो एक बेजुबान जानवर को मार रहा था। बेजुबान जानवर, वो जानवर जो आपको मतलब अपनी तकलीफ तक नहीं बता सकता, अपनी बातें तक नहीं बता सकता, उसके ऊपर वो इंसान लाठी से वार कर रहा था, यानी उसको मार रहा था। वैसे कई लोग डॉग्स को अपने घर में पालते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कुत्तों को पालना एंड ऑल। तो बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं निहायत ही बदतमीज, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जानवरों को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कई लोग पते कई लोग क्या करते हैं कि जानवरों को क्या करते हैं कि उनको करंट लगाते हैं, उनको मतलब बार बार चीज़ों को पिंच करते हैं ताकि वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाए। कुछ लोगों ने किया भी है ऐसा। तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि दर्द आपको होता है ना, वैसे ही दर्द उन जानवरों को भी होता है। वो हालांकि आप लोगों के पास जुबान है, आप बोल सकते हैं, पर जो जानवर है वो बेजुबान होता है, वो बोल नहीं सकता। दर्द उसे भी होता है जैसे दर्द आपको होता है। और लाइफ का कर्मा है, अगर आपने जो कर्म इसी ज़िंदगी में किए हैं ना, आपको इसी ज़िंदगी में भुगतने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि थोड़े अपने कर्मा सुधारिए, बेजुबानों के ऊपर अत्याचार ना करो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। मुझे ये वीडियो देखकर इतना गुस्सा आया था, लेकिन लिटरली मेरा मन ऐसे कर रहा था कि वो वीडियो जहाँ की भी है ना, मैं उस इंसान का जाके मुंह तोड़ के आ जाऊं। बट इवेंचुअली हम कर नहीं सकते ना ये चीजें। सिर्फ मैं अपनी वीडियो के जरिए ये बताना चाह रही हूँ, मतलब जो मैं अपने इमोशंस व्यक्त कर रही हूँ कि जानवर है तो क्या हुआ, फील तो उन्हें भी होता है। आप लोगों को जितना दर्द होता है उतना दर्द उनको भी होता है। अगर आपकी हड्डी टूटती है आप चिल्लाते हो, मदद के लिए पुकारते हो, वो क्या करते हैं ना, वो चिल्ला सकते हैं ना, किसी को इमोशनली बता सकते हैं कि उनकी उनको कोई दिक्कत हुई है, फिर भी आप लोग ऐसे करते हो। थोड़ी बहुत ही तो शर्म करो, इस थोड़ी बहुत ही तो इंसानियत दिखाओ। कई लोग तो इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं ऐसी हरकतें करके। यहाँ पे साथ में एडिटिंग कर रही हूँ अपने ब्लॉग की। देखिए यहाँ पे मैं अभी शुरू कर रखा है अपने ब्लॉग को एडिट करना और उसको अपलोड करना, और अपलोड करने में भी लाइक बहुत टाइम लग जाता है। सो मेरा खाना हो चुका है, मैं खाना खा चुकी हूँ।
एडिटिंग करने के बाद मैं अपना मेरा जो अभी ये वाला व्लॉग चल रहा है मैं इसको एडिट करूँगी, इसको भी अपलोड करूँगी ताकि आपको कल दो व्लॉग इकट्ठे देखने को मिले साथ में। एज यू नो कि मेरा बैक टू बैक मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी फ़ोन ना होने की वजह से, तो बट अभी मेरे पास फ़ोन भी आ चुका है और मैं ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखूँगी और आपको कोशिश करती रहूँगी कि मैं आपको एंटरटेन करूँ अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लाइफस्टाइल से। यार लाइफ में से आप ख़त्म क्यों नहीं होते, एडिटिंग करते करते लैपटॉप ऑफ हो गया, रिस्टार्ट हो रहा है अब। फाइनली गाइस, दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मेरा जो दोनों व्लॉग्स हैं वो एडिट हो चुके हैं, उनको मैंने अपलोड भी कर दिया है और अपलोड करने के बाद वो कल सुबह आपको 8 बजे लाइव दिख जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोगों के पास। मीनवाइल जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया, उसने मतलब इतना प्यारा मैसेज, मतलब एक पोम टाइप है उसने मेरे को दिखाई, भेजा है मुझे उसने, वो मैं आपको वीडियो के एंड में लगा के दिखाऊंगी, आप उसको पढ़ना। और जो उसने मीनिंग्स बताए कि लाइक ह्यूमन बीइंग जो होता है, मतलब जो इंसान है वो आपका घर नहीं बन सकता, वो हमेशा टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ एक्चुअल में हमारी लाइफ में, आप उस मैसेज को पढ़ना अच्छे से और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारे साथ भी जो कुछ लोग होते हैं, हमारे साथ जो होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं और हमारे साथ नहीं रहते वो। पता है हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ ना बहुत ही मतलब अटपटी सी होती है, मतलब कभी उतार तो कभी चढ़ाव, पता है मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी है, कभी अप्स आते हैं कभी डाउन्स आते हैं। और मेरी मतलब मेरी लाइफ में ना मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे मैं अपनी लाइफ की हर एक छोटी से छोटी चीज़ शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी हो, और वो मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा वेन एवर आई एम रॉन्ग एनीवेयर ना, हमेशा सबसे पहले वो खड़े होते हैं कि बेटा तू गलत कर रही है, और सही होती हूँ सबसे पहली अप्रिसिएशन उनकी आती है, गुड जॉब के बेटा। एंड मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको मतलब थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, माय बेस्टीज। होप्स हो कि हमारा रिलेशन जैसे अभी है एट प्रेजेंट वैसा ही आगे भी रहे, कभी भी हम चेंज ना हों, नेवर एवर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड अंडरस्टैंडिंग मी द वे आई एम। सो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।